जम्मू के कठुआ में 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ हुए रेप और मर्डर केस के बाद पूरे देश की जनता में गुस्सा देखा जा रहा है। पूरे देश में से लोग आसिफा के लिए इंसाफ की मांग करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच देश के बड़े बॉलीवुड सितारे भी इस घटना के विरोध में सामने आ रहे हैं। सभी अपने ट्विटर अकाउंट्स पे आसिफा के रेप और मर्डर की घटना के बाद पूरे गुस्से में आकर सरकार से उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग करते नजर आ रहे हैं। जैसे कि एक वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली आसिफा के साथ हुई घटना के बाद कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं। विराट ने यह तक भी कह दिया कि अगर उस जगह आपका कोई होता तो भी आप चुप बैठे रहते, और कोहली ने कहा कि उन्हें आज शर्म महसूस हो रही है कि वो ऐसी सोसाइटी के मेंबर हैं। बॉलीवुड के बड़े अभिनेता आमिर खान का भी कहना है कि जब तक ऐसा करने वाले को सख्त सजा न दी जाए तब तक ऐसा होता ही रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार और अदालतों को चाहिए कि ऐसा होने के बाद एकदम जल्दी डिसीजन लेकर उन दोषियों को ऐसी सजा दी जा सके कि अगली बार कोई भी आदमी ऐसा करने के बारे में सोच भी न सके। वहीं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन ने तो मीडिया में आकर इस घटना के ऊपर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। रवीना का कहना है कि हमें उस लड़की का कोई धर्म या जात नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उसे एक इंसान की तरह देखकर सोचना चाहिए कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का इस घटना पर बयान सुनकर तो जैसे खून ही खौल जाता है। अक्षय ने अपनी वीडियो में साफ कहा कि यह सिर्फ उन लोगों की छोटी सोच है जो कि ऐसा करने वालों को जस्टिफाई करने का दम भी रखते हैं। ऐसा करने वाले को तो कहीं खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। इन सितारों के अलावा बॉलीवुड के और भी कई सितारे आसिफा के साथ हुई नाइंसाफी पे अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए। आपका आसिफा के साथ हुई इस घिनौनी हरकत करने वालों को मिलने वाली सजा के बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।